साहब वेले बंदे ने शेर शूर जो याद कर लेंगे या किताबा पढ़ के उ सुनाई सुनी जाते इस तो अलावा होर की उन्होंने को जो तो मौका से उदो किया नहीं हूँ हूँ गजलां सुना फिरते जी की फायदा वह पत्थर पठल का दसिया सीएम साहब ने कि 25 साल बाद अज बंगला खाली कर रही है चंडीगढ़ च आपदा ही राज बनाया हुआ इन्होंने खाली नहीं करते घर फिर करता जो पत्थर हूँ तो चकना ही पैना समान जी निपट गया लोगों ने दिल चो कटता हूँ पत्थर की करूगी जी जी मुख्यमंत्री साहब नाल मैं अपनी गल कहनी चाहवा मैं विद इन 5 मिनट 5 मिनट तक सीएम साहब तक गल पहुँच जाती है उसे आके नवजोत सिंह सिद्धू साहब बड़िया बड़िया गल्लां करते सी मैं सिद्धू साहब नूं पुछना चाहुंदा तुसीं पंजाब दे मंत्री भी रहे हो एमएलए भी रहे हो मैंबर पार्लीमेंट भी रहे हो और तुसीं प्रधान भी रहे हो कांग्रेस पार्टी दे तुसीं अपना रिपोर्ट कार्ड दसो तुसीं की कीता जी तुसीं अपने विधानसभा दे विच जिहड़े जदों ट्रेन का हादसा होया सी उन्हां नूं हुण तक इंसाफ नहीं दवा सके ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਭਵਨ ਚ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਐਮਐਲਏ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ एक्चुअली समस्या तो कोई नहीं जी आपस के विचार चर्चा हुई है मुख्यमंत्री साहब ने सब तो अपने अपने विचार ले ने कि तुहाडा हलका किवें चल रहा काम किवें चल रहे ने की मेन गल है ते कोई भी दुविधा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं मैं तुहानू दस्सदा स्टेप बाय स्टेप बता दा तो उन्होंने पूछा कई जिहड़े एमएलए साहिबान ने गल कही है कि जिवें अफसरशाही है विच किते किते तब्दील होने की लोड़ है और किते ना किते जिवें पुराना जो सिस्टम आ रहा नैक्सस नूं तोड़न की लोड़ है ग्राउंड लैवल तक थले वाले मुलाजम जिहड़े ने उन्होंने भी तब्दील करके उन्होंने जगह रिप्लेस करके ताकि वह सिस्टम समूथ चल सके और ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा जी कि बिल्कुल मेरी नॉलेज के सारा कुछ हो रहा और जिन्हें साड़ी मिनिस्ट्री है मैं इतने बैठा और एमएलए को सीधा तराबता है जी मुख्यमंत्री साहब ना मैं अपनी गल कहनी चाहवा मैं विद इन 5 मिनट 5 मिनट तक सीएम साहब तक गल पहुँच जाती है कि जी आ समस्या तो वह राइट वे रिएक्शन भी आता जी सो मुख्यमंत्री साहब मिनिस्टर साहबान से एमएलए की एक टीम वर्क जी पंजाब काम कर रही है बड़े अच्छे तरीके काम कर रही है समस्या तो नैचुरली है ही 70 साल तो जिड़िया समस्यावान चलिया आ रही ने वो एक 2-3 महीने तक खत्म नहीं होने वाली हल्के जी नाभे आके नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रोटेस्ट किया उन्होंने कहा तुम की कहना चाहोगे नवजोत सिंह सिद्धू और आया किसी किसान ने आत्महत्या कर ली पर आत्महत्या क्यों की उन्हें अपनी बच्ची कनेडा भेजी है 25-30 लाख रुपये का कर्जा चाके जो कर्जा वापस करने की गल आई तो डिप्रैशन आ गए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया ठीक है जी पर वो जिहड़ा सुसाइड किया जी वो पक्का कांग्रेसी सीगा वह साधु धर्मसोत नाल अटैच सीगा और लंबे समय तो अटैच सीगा वह और मैं भी हुण भोगते जाके आऊँगा तो उत्थे आके नवजोत सिंह सिद्धू साहब बड़िया बड़िया गल्लां करते सी मैं सिद्धू साहब नूं पुछना चाहुंदा तुसीं पंजाब दे मंत्री भी रहे हो एमएलए भी रहे हो मैंबर पार्लीमेंट भी रहे हो और तुसीं प्रधान भी रहे हो कांग्रेस पार्टी दे तुसीं अपना रिपोर्ट कार्ड दसो तुसीं की कीता जी तुसीं अपने विधानसभा दे विच जिहड़े जदों ट्रेन का हादसा होया सी उन्हां नूं हुण तक इंसाफ नहीं दवा सके ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ पार्टी एक्शन भी कर रही है उन्होंने नोटिस उन्होंने कढ़ दिता एक तरह कर रही है जी बिल्कुल कर रही है जिन्हें भ्रिष्टाचार करने वाले लोग ने पंजाब दे विच और जिहड़े भावें मंत्री रहे ने चाहे वह जिहड़े आम जिहड़े लोग ने जिन्होंने अफसर ने जिन्होंने भ्रिष्टाचार किया उन्होंने सख्त कार्रवाई होएगी और बड़े अच्छे तरीके उस सारा कुछ मोनीटर हो रहा सब की मोनीटरिंग हो रही है सब का सिस्टम चैक किया जा रहा और वो कार्रवाई जी बनेगी जिवें पठल का रजिंदर कौर पठल का दसिया सीएम साहब ने कि 25 साल बाद अज बंगला खाली कर रही है चंडीगढ़ च आपदा ही राज बनाया हुआ इन्होंने आपदा राज बनाया हुआ इन्होंने क्यों क्योंकि इन्होंने कहड़ा पता से भी आम पार्टी आऊगी सरकार बन जूगी इतने सिस्टम चेंज हो जूगा सो इस करके अज की जी मीटिंग है वो एक तो पहली गल यह कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे मुख्यमंत्री या कांग्रेस इन्हों को आपस के भी तालुकात ही कोई नहीं इन्हों का असी एक एक मैं एड्डी एक बरीकी जी है सीएम हाउस तक भी पहुँचा देना अगर मेरे को सीएम हाउस के नाँ पर कोई मंग पत्र दे के गया मैं राइट वे वो फोटो खिंच के वट्सअप से सीएम साहब को सीधी भेज देना जी मैंने दसो इस तो ईजी रस्ता होर की है राइट वे उन्हों का रिएक्शन आता जी सो एक उन्होंने होर भी दसा कि जिन्हें एमएलए साहबान ने सारे सब के लिए एक अलग अलग एक एक उन्होंने फाइल बनाई जा रही है जिन्हें एमएलए जितते हुए हैं
उन्होंने सब का एक एक कंप्यूटर के रिकॉर्ड है कि किस MLA वालों किस विषय के उपर कि चिट्ठी मार की गई है ज किस चीज़ की डिमांड की गई है जी कि समस्या उस हिसाब न वो उत्तर रखी जाएंगे ताकि एक एक विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड CM साहब को हो और उन्होंने पता हो कि MLA कि मसले लैके आ रहे और उन्होंने की डिमांड है। ਪੱਠਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਠਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹੁਣ ਪੱਠਲ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो यह समझता कुछ ताकत से जिड़ियाँ प्लांट करके पंजाब का माहौल खराब करना चाहती सी पर बड़े अच्छे तरीके मैनेज कर लिया गया जी ढिल हुई आम आदमी पार्टी तो क्योंकि यदा सोल्यूशन पोलीटिकली हो सकता सी गलबात जो लीडर करते या राबता कायम किया जाता तुम पत्रकार हो मैं लीडर हाँ असी अगर एक दूजे के गल पै जाइए जी तो पुलिस को आने 10 मिनट तो लगनगे ना टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा जी कोई भी सिस्टम है जिहड़ा वो तो पहला सारी इनफॉर्मेशन दी हुई थी ना बिल्कुल जी उहदे विच जे इनफॉर्मेशन दी हुई थी अगर कोई कोताही हुई है तो उहदे मुताबिक कार्रवाई भी की है सरकार ने ट्रांसफर भी हुई ने बदलियां भी हुई ने एक्शन भी होया सो कई चीज़ा होंदिया ने जिहड़ियां कई बार जिहड़ियां ने धार्मिक मसले नाल जोड़ के उन्होंने वड्डा बनाउण दी कोशिश की है विरोधी धिरां कर रही ने एजेंसीज पिछे लगिया हुई ने जिहड़ियां काम कर रही ने पर भगवंत मान साहब बहुत मचोरिटी नाल साडी सरकार बड़ी मचोरिटी नाल हर एक विषय के उपर बड़ी संजीदगी नाल काम कर रही है और मैं पंजाब के लोगों को हाथ बन के बेनती करदा कि साडे लई पंजाब की एकता पंजाब की अखंडता और पंजाब के लोगों का प्यार जरूरी है जी इन्हां लोगों दी गल्लां च ना बड़ी मुश्किल दा भागां वाले दिन आए हैं आम पार्टी सरकारी है लोगों के काम होने शुरू हुए हैं और ये लोग पहला भी पंजाब का माहौल खराब करते रहे पहला भी सरकार लुटदियां रही ने हुण भी उही कोशिश कर रहे हैं पर यह नाकाम रहेंगे और आम आदमी पार्टी साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब बहुत अच्छे तरीके हर एक चीज़ को टैकल कर रहे हैं मैं पंजाब की चढ़ती कला की अरदास करदा धन्यवाद सुना जुड़न वास्ते तो यह सके नाभे तो आम आदमी पार्टी के विधायक देव मान जिन्होंने दसिया भी आम आदमी पार्टी सरकार बहुत सोहना काम कर रही है तो नाल उन्होंने कहा भी जल्दी तो जल्दी जोड़े है सारे जोड़े मसले है वो सुलझा दिए जाएंगे। चंडीगढ़ तो कैमरामैन सुरेंद्र नाल मैं शुभकर्मन धालीवाल प्रो पंजाब TV।